बैटरी इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। सबसे पहले आते हैं बैटरी इंस्पेक्शन पे, बैटरी की जांच करना और बैटरी की सफाई करना। मान लो आपके पास कोई बैटरी है, आप गाड़ी में यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, उसकी इंस्पेक्शन कैसे करनी है और कैसे उसको साफ करना है, उसे कुछ एक पॉइंट्स। तो जो आपको यहाँ पर प्रॉपर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका ध्यान रखो। देखो क्या बोलता है, देखो इवन मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, जो मेंटेनेंस फ्री बैटरीज होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती है, उनको भी जो है एक इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है, जांच की जरूरत पड़ती है, उनको चेक करना पड़ता है बीच बीच में, और ताकि वो सही कंडीशन से काम करती रहे, है ना। उसके लिए जब भी हमने बैटरी की इंस्पेक्शन करनी है या क्लीनिंग करनी है, उसके लिए हमें कुछ एक मटेरियल चाहिए होते हैं। क्या क्या चाहिए, देखो क्लीनिंग सॉल्यूशन चाहिए, बेकिंग सोडा और वाटर का एक, दूसरा होता है एमोनिया भी ले सकते हैं बैटरी की सफाई के लिए, है ना। तीसरा स्टिफ ब्रिस्टल ब्रश होता है ताकि उससे हम बैटरी को ब्रश मार सकें, साफ कर सकें। टर्मिनल पलायर का यूज करना है, टर्मिनल ट्रायल हो गया, रेंचिज हो गए, ताकि हम टर्मिनल्स को साफ कर सकें, उनको प्रॉपरली चेक कर सकें। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल को स्क्रैप करने का एक टूल होता है, उसके यूज करना ताकि हम टर्मिनल पे कुछ भी अगर मिट्टी लगी हुई है, ग्रीस लगी हुई है, उसको साफ कर सकें। और प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर बैटरी टर्मिनल्स, एक कोटिंग आती है स्पेशल, उसे क्या करते हैं, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं उनको कोट करते हैं ताकि वो करोड़ ना हो, वहां से एसिड लीकेज ना हो किसी तरह की। तो ये कुछ टूल चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे, बैटरी इंस्पेक्शन में क्या क्या किया जाता है, ठीक है। जब भी आपने बैटरी की जाँच करनी है तो कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, जो जो चीजें आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं उसमें सबसे पहले क्या करना है आपने, जैसे कि बैटरी गाड़ी में लगी हुई है उसको निकालना है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव टर्मिनल को निकालेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को भी निकालेंगे। बैटरी निकाल के हमने वर्क टेबल पर रखनी है, और वर्क टेबल पर रखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ द बैटरी हैज नोबल सेल कैप्स चेक द इलेक्ट्रोलाइट लेवल। बैटरी में जो सेल कैप्स लगे होते हैं उन सेल कैप्स में इलेक्ट्रोलाइट डालते भी और चेक भी करते हैं। तो सबसे पहले बैटरी के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट है उसको चेक करना है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम है तो उसमें और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है, अगर नॉर्मल है तो उसके इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद होता है, अगर बाई चांस मान लीजिए बैटरी सेल कैप डैमेज हो गया है, कई बार करते हैं यूज करते हैं, रफ यूज करते हैं, कई बार होते हैं ओपन नहीं अच्छे से करते, कोई टूल सही यूज नहीं करते हैं, तो सेल कैप डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में सेल कैप को आपने रिप्लेस करना है, नया सेल कैप आपने यूज करना है। फिर बोलता है चेक बैटरी टर्मिनल्स, केबल कनेक्टर्स, मेटल होल्ड डाउन पार्ट्स, एसिड कोरोजन एंड क्लीन एज रिक्वायर्ड। बैटरी के जितने भी टर्मिनल होते हैं उनको चेक करना है, वहां पर किसी तरह का एसिड लीकेज हुआ है उसको चेक करना है, है ना। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जो तारे वहां पे लगी थी टर्मिनल्स पे उनको भी चेक करना है कि किसी तरह का कोरोजन उन पे लगा हुआ है या फिर कोई शॉर्ट हुई है ज्यादा लोड की वजह से, वो चीज भी आपको चेक कर लिया। फिर उसके बाद होता है अब गाड़ी में इंजन के साथ एक जगह बनी होती है जहां पर बैटरी को रखा जाता है ना, उसका बैटरी की एक पोजीशन होती है, एक जगह होती है वहां पर बैटरी को रखते हैं, तो वहां पर उस जगह पर जो स्टैंड बना होता है उसको भी चेक करना है कि उसमें बैटरी इलेक्ट्रोलाइट जब लीक करता है तो वहां पर जंग लग जाती है, है ना, तो वो भी चेक करना, अगर वैसा कुछ है तो उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बोलता है चेक बैटरी केस कवर फोल्डर ग्रीस इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसेशन एटसेट्रा। अब ये बोलता है कि बैटरी पर कई बार क्या होता है कि धूल मिट्टी ग्रीस, है ना, ये चीजें जम जाती है तो बैटरी पे कोटिंग क्रिएट हो जाती है। जैसे बैटरी पे कोटिंग बन गई धूल मिट्टी ग्रीस की, तो वो क्या करती है, करंट जो वोल्टेज होगी वो लीक करती है, वहां से क्या करती है वोल्टेज लीक करती है, तो इसका लॉस ये होता है कि बैटरी अपने आप क्या कहते हैं डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है ना, और कई बार प्रॉपर वोल्टेज भी हमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए नहीं मिलती, तो
ये चेक करना है हमने। उसके बाद इंस्पेक्ट बैटरी फॉर क्रैक्स। अब गाड़ी खराब रोड पे भी चलती है, अच्छे रोड पे भी चलती है, रोड से जितने भी झटके आते हैं उससे बैटरी को झटके लगते हैं, कई बार उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, क्या पड़ते हैं क्रैक्स, तो उन क्रैक्स को चेक करना है। और जो लूज टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर जो तारे लगी होती है, उनके जो कनेक्शन होते हैं कई बार लूज होते हैं, वो भी चेक करना है। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। और उसके बाद हाँ, अब जो है एक चीज और का ध्यान रखना आपने, आजकल जितनी बैटरी आ रही है, ठीक है, बैटरियों में ना ऊपर कवर पे एक ग्लास बल्ब लगा होता है, क्या लगा होता है, ग्लास बल्ब। उस ग्लास बल्ब इस तरह का होता है, देखो ऐसा, ठीक है। अब इसमें जो है अगर तो ग्रीन डॉट शो करेगा, ग्रीन कलर शो कर रहा है ना, तो ये बताता है कि बैटरी में चार्ज जो है 65% से ऊपर है, कितना है 65% से ज्यादा उसमें चार्ज है, अगर वो ग्रीन है मतलब आपकी बैटरी सही है। अगर वो डार्क शो करता है, तो डार्क अगर वो आपको उस ग्लास में नजर आता है कि ये ब्लैक है, तो वो इंडिकेट करता है कि उसमें जो चार्ज है वो 65% से कम है, कितना है 65% से कम है। और अगर यहां पर ना तो ग्रीन दिख रहा है और ना ही डार्क दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, इट मींस आपकी बैटरी जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या है कम, ठीक है। तो इन इन चीजों को जो है पॉइंट्स किए हमने, जब भी बैटरी के आपने इंस्पेक्शन करनी है तो ये सारे पॉइंट्स चेक करने हैं, तब जाके आप बैटरी को अच्छे से जांच पाओगे। ओके, तो इसके साथ ये टॉपिक क्लोज होगा।